हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एक बहुत ही प्राउड और गर्व वाला दिन है क्योंकि जेईई मेंस का फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और मेरे साथ है इस खुशी को शेयर करने के लिए आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सीईओ मिस्टर मनीष राव सर। वेलकम। सो मैं पूछना चाहूंगी कि पहले है कि पेरेंट्स की ये माइंडसेट होता था कि अगर बच्चे को किसी अच्छे कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराना है तो वो बड़े शहर भेजते थे, दूर सिटीज में भेजते थे कि बाहर रहो 2-3 साल, उसके ऊपर मेहनत करते थे। लेकिन अब हमने देखा जैसे ही जेईई मेंस का रिजल्ट आउट हुआ तो हर जगह एक ही नाम, वेबसाइट पे देख रहे हैं, फेसबुक को चेक कर रहे हैं, आरपीएस ने इतना अच्छा स्कोर किया है। तो पेरेंट्स की धीरे धीरे ये चीज अलग होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो सर इस कैसे ये चेंज आ रहा है और इतना अच्छा रिजल्ट रहा स्कूल का? और मैडम एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल बड़े शहर और छोटे शहर और गांव की जो जो दूरियां थी वो खत्म हो गई, जो जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया। आज आपने देखा कि एक पेरेंट जो है फरीदाबाद से आया हुआ था बिल्कुल सर। और फरीदाबाद में यहाँ का कोई आदमी बहरोड के नजदीक का कोई आदमी शिफ्ट हो रखा है, उसने उनके सामने बात डिस्कस की तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ। तो जो यहाँ का पेरेंट जो वहां पर शिफ्ट हो रखा है उसने बताया कि भाई अगर अच्छी एजुकेशन दे रही है तो आपको आरपीएस में जाना चाहिए। हाँ, उनका इंटरव्यू लिया तो सर ने बताया कि उन्होंने पहचान कर रही मेरी यहाँ पे। यस यस। तो देखिए ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ा देती हैं। जब आदमी इस तरीके से दूसरा आदमी दूसरे आदमी के सामने बोलता है कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ आप आरपीएस में भेजिएगा, बच्चा आपका जरूर सफल होगा। तो जिस तरीके से आदमी हमारे हमारे लिए अप्रोच कर रहा है तो उससे हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती है और उसी लिए हम लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं। जहां तक बात छोटे गांव की, बड़े शहर की, छोटे शहर की बात है, आज जहां पर भी आरपीएस है अच्छी फैकल्टी के साथ काम कर रहा है। बड़ा स्कूल छोटा स्कूल, स्कूल छोटा बड़ा टीचर से होता है, अच्छे टीचर्स हैं तो बड़ा स्कूल है और टीचर्स सारे लंबो लंबा अच्छे होते हैं। मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होती है तो वो प्लेटफॉर्म हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा बच्चा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाता है तो ही वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है, सबसे बड़ा कारण ये भी है। तो जो बच्चा फरीदाबाद का है जिस विश्वास के साथ जिस भरोसे के साथ पेरेंट ने भेजा, शायद वो शायद हम लोग सब लोग टीचर्स ने जो मेहनत की, प्रिंसिपल के द्वारा जो मेहनत हुई, यहाँ पे वार्डन है और भी सारे लोग इसका बड़ा योगदान रहता है तो उसी का नतीजा है कि वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाया। बिल्कुल। एक बात और देखिए हम लोग तो बहरों में अभी आए 4 साल हुए हैं, फोर्थ ईयर भी हमारा चल रहा है। आप देखोगे कि पहले साल में ही हमने पढ़ाई करवाई, फिर कोरोना आ गया, हालांकि पढ़ाई तो वहां पर भी करवाई। इतने थोड़े समय में आज अलवर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेहतरीन रिजल्ट अगर है आईआईटी मेंस का तो आरपीएस स्कूल से है, आरपीएस बहरों से है। और मैं तो ये बोलूंगा जो ग्रुप की बात है, अगर आप पूरे ग्रुप की बात करें तो 99% से ऊपर 34 स्टूडेंट्स हैं। स्कूलिंग लेवल पर शायद और शायद हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमारा ये हम कह सकते हैं है आया है। और 95% से ऊपर भी लगभग लगभग 174-175 स्टूडेंट्स हैं। 90% से भी ऊपर लगभग लगभग आपके पास 210-215 बच्चे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम स्कूल लेवल पे बात करेंगे तो स्कूल लेवल पर बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स हैं और इसका कारण सबसे बड़ा कारण है टीचर्स की मेहनत और बच्चों की मेहनत, पेरेंट्स का विश्वास, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ यहाँ पर हम लोग बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं जो एक स्कूल में बच्चे को चाहिए होती है। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग एक ग्लोबल एक्सपोजर की तरफ भी बढ़ रहे हैं कि बच्चे को वो सारी एक्टिविटी मिले जो बच्चे को स्कूल में मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अभी एक पेरेंट के साथ जो मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि पहले हम सोच रहे थे कि नहीं हॉस्टल में कैसे हो पाएगा एडजस्ट। और आकाश के ही पेरेंट जो फरीदाबाद से हैं उन्होंने ही बताया कि मैम मैंने तो जिन्होंने पहचान कराई उनको बोला कि नहीं मैं इतना फाइनेंशियली नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मेरे बच्चे छोटे हैं मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, जो मेरे बड़े हो जाएंगे तो आप मुझे सपोर्ट करना, मैं गारंटी देता हूँ आप एक बच्चे को वहां कीजिए। तो फिर उन्होंने आकाश का बोला मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये कर पाएगा लेकिन फिर भी उसने अब एडवांस का देगा तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है ना, संस्कारों की खूबसूरती है, बिल्कुल ये कहना चाहूंगा। और सर मैं कुछ दिन पहले हमने एक लाइव इंटरेक्शन कराया था परीक्षा पे चर्चा मोदी जी के साथ, तो सर उसके लिए मोदी जी ने बताया कि कैसे बच्चों पे प्रेशर रहता है लेकिन उन्हें फ्री माइंड से पेपर देना चाहिए, लेकिन अपना कहता है तो गलत बात होती है।
तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहिए अभी प्लस टू के एग्जाम्स होंगे बोर्ड के? देखिए मैं तो ये चाहूंगा कहना कि बच्चों को कि बिना प्रेशर के बच्चों को एग्जाम देने चाहिए, बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, मन लगा के पढ़ाई करे, लास्ट मोमेंट की जो मेहनत होती है सचमुच में वो रंग लाती है। तो बच्चा अगर इस सोच के साथ एग्जाम में जाएगा कि मेरे को तो 500/500 मार्क्स लाने हैं, तो क्या होगा, क्या होगा कि ब्रेन भी उसके साथ वैसा ही काम करेगा और वो कॉन्फिडेंस भी ले पाएगा। तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ बच्चा अंदर जाएगा उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसके मार्क्स भी आएंगे। तो मैं तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपना एक टारगेट बना के चलो, उसके ऊपर अच्छा सा प्रयास करो, शिद्दत से पढ़ो और बिना परेशान हुए एग्जाम देने जाओ। आप देखना सबसे बेस्ट आपका एग्जाम होगा, जब रिजल्ट आएगा तो सबसे बेहतरीन आपके रिजल्ट होंगे बिना पढ़ सकते, लेकिन आपको जाना है एग्जाम देने। और जो बच्चा आईआईटी मेंस में 90% पे है, जो 80% पे है, वो बच्चा भी अप्रैल के एग्जाम में आप देखना कि कितना इंप्रूव कर जाएगा। किसी बच्चे ने ये सोच लिया ना कि मेरे को तो 100% से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं, तो सचमुच में वो बच्चा 100% ला पाएगा। इस बार देखो कम से कम पूरा ऑल ओवर इंडिया में 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है। तो आप अप्रैल में देखोगे तो ये फिगर बढ़ेगी। और ये फिगर कैसे बढ़ेगी, क्योंकि पहला एग्जाम दिया बच्चे को, एग्जाम हो गया था उससे भी उसको प्लस टू हुआ, वो फिर दोबारा से उसको ये भी पता लगा कि भाई कहाँ कहाँ मैं मिस्टेक कर गया है, नेक्स्ट टाइम में वो अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करेगा, उसको थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा, प्लस टू का वो बोर्ड के कारण रिवाइज भी कर पाएगा। तो जब अप्रैल का एग्जाम में जाएगा तो आप देखना कि बहुत सारे बच्चे 100% ला सकते हैं, इससे भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। तो आई थिंक आपको डोज मिल गई है एग्जाम की, स्ट्रेस फ्री होके आप जाएं अपने एग्जाम में और अच्छे से पूरा फोकस होके उस चीज को करें। और सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे हमने यहाँ पे गुरुकुल स्टार्ट किया है, गुरुकुल और कुछ ही टाइम पहले एक और इंटरव्यू किया था कि बच्चों की फ्री एजुकेशन, जो ऐसे पेरेंट्स हैं या जो झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए भी आरपीएस ने एक ये कदम उठाया था कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। वो बच्चे यहाँ पे आते हैं डेली 2 आवर के लिए, उनकी स्टडीज होती हैं, टीचर प्रोवाइड किया जाता है। तो सर ये कहाँ से आपके माइंड में आया कि हम इन्हें भी दें, क्योंकि हमारे स्कूल के जस्ट साइड में हम देखते हैं छोटी छोटी बस्ती सी है और उनके बच्चों के पास स्कूल की कोई सुविधा बस्ती है। हम लोगों को यहीं से आना जाना होता है, बच्चे खेलते रहते हैं तो शाम को ऐसे हम लोग घूम लेते हैं। तो दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम लोग भी बच्चों को पढ़ाई करवाएं, अच्छे से शिक्षा दें, क्यों ना दें हम बच्चों को। तो इनके लोगों से बात की, मैंने कहा भाई इवनिंग में इन बच्चों को भेजो, हम लोग इनको पढ़ाते हैं। तो पेरेंट्स को बड़ा अच्छा सा लगा, बंजारा बस्ती के लोगों को बड़ा अच्छा सा लगा, उन्होंने अपने बच्चों को भेजा और बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं, बच्चों को लगा कि भाई हाँ इस तरीके से होना चाहिए। कुछ दिन बाद आप यहाँ पे देखोगे पानी की बड़ी समस्या है, हम लोग पानी के लिए भी इनके यहाँ एक टैंक बनवा रहे हैं और उस टैंक के ऊपर एक आर ओ प्लांट भी लगवा रहे हैं। तो वो भी आप देखोगे कि भाई हाँ बड़ा अच्छा साइन के लिए वो हम काम करवा रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक स्कूल में लिमिटेड सी चीज़ों पे रहें, एक ये भी एक अच्छे आई थिंक शख्सियत की निशानी होती है कि वो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे। और जैसे कि सर ने बताया डेली हम गुजरते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, लेकिन अलग क्या है कि उस चीज़ को एक जिम्मेदारी समझ के कि नहीं मैं तो ये चीज़ करके दिखाऊंगा, वो किया भी है, इतने सारे गरीब बच्चों को एजुकेशन भी दी है। तो सर उसके लिए पहले थैंक यू सो मच कि ऐसा किया, उन बच्चों से मैं मिली थी, उनका भी हमने एक वीडियो बनाया, वो खुश थे। कोई बात नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, वो जिम्मेदारी है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि सबको साथ लेके चलना है हमें। और सर ये गुरुकुल के पीछे का क्या इनिशिएटिव था कि अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं, सब कुछ एक फोन पे आ गया आजकल, लेकिन फिर भी गुरुकुल स्टार्ट किया स्कूल में। देखिए प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को आदमी को नहीं भूलना चाहिए। आप देखोगे कि ऋषि सुनक जी जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी पिता के ऊपर हाथ रखना और सब कुछ, तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों की जो संस्कृति है उसको हमें आगे तक लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, तो तभी वो गुरुकुल का ही कंसेप्ट आया। ओके, तो आज का आई थिंक हमारे इंटरव्यू का जो कंक्लूजन था वो था कि मॉडर्न के साथ साथ हमें अपने बच्चों को हमारी रूट्स के साथ भी जोड़ना है। अगर आप मॉडर्न और रिलीजियस दोनों तरह से अपने बच्चे को कंप्लीट करना चाहते हैं तो सेशन 2023 और 24 के लिए अपने बच्चे को जरूर भेजें अपने नियरेस्ट आरपीएस, बस एक बार विजिट करें, आई थिंक आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। सो थैंक यू सर फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू।